तो देखो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स के बारे में। तो किन कॉइल्स को हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स बोला जाता है? दो कोएक्सियल और सिमिलर सर्कुलर लूप्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के सामने रखे जाते हैं उतनी ही डिस्टेंस पे जितनी उनकी रेडियस है। देखो रेडियस ए है तो इन दोनों के बीच की दूरी भी ए है। डायग्राम में देखो ये थोड़ी थोड़ा ए हमको ज़्यादा लग रहा है, बट एक्चुअली में क्या होता है कि जितनी इनकी रेडियस है ए, उतनी ही इनके बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को जिसमें, और देखिए जो सेम आइडेंटिकल है दोनों को, सेम करंट फ्लो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, ये सब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, ठीक है। अब देखिए हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि अगर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है, क्योंकि देखो इन दोनों कॉइल्स में बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक ही जैसी, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, तो ये जो मिड पॉइंट होगा, देखो पूरी डिस्टेंस ए तो मिड पॉइंट की ए बाई टू, ए बाई टू, तो जो मिड पॉइंट होगा वहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं दोनों कॉइल्स की वजह से, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवाने के लिए हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स के हम यूज़ करते हैं। अब देखिए कोएक्सियल है तो किसी भी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे भी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर की वैल्यू हमने पुट कर दी थी। हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, रूट के अंदर परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये हमने देखिए लास्ट डेरिवेशन में भी किया था। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि मिड पॉइंट पर निकालना है तो डिस्टेंस ए बाई टू हो जाएगी, ठीक है ना, हमको यहाँ मिड पॉइंट पे निकालना है तो डिस्टेंस ये पूरी ए है तो ए बाई टू, देखो हमने ए बाई टू पुट कर दिया एक्स की जगह, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन फोर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन फोर, पावर 3/2 तो है ही, ठीक है। देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² + a² 5a² / 4, ठीक है, तो 5 / 4 की पावर 3/2 ये तो हम अलग रख लेंगे, और ए स्क्वायर की पावर 3/2 स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो ए क्यूब ये हमारे पास बच जाएगा, हमने लिख लिया। अब देखिए जो पावर 3/2 है इसको हम क्या लिखते हैं, 1 + 1/2 यही होता है हमारे पास 3/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 5√5, देखो 5 की पावर 1 और 5√5, हमने √5 भी लिखा तो कितना हो गया पावर हाफ, 1 + 1/2 कितना हुआ 3/2, तो इसको लिख देंगे 5√5, इसको लिख देंगे 4√4, 4 अपॉन में है, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है, अपॉन के अपॉन में है, तो हमने देखा यहाँ पे पावर 3/2 को लिखने का तरीका, 4 को लिख दिया 4√4 और 5 को लिख दिया 5√5। देखो रूट 4 की वैल्यू तो 2 होती है, नीचे भी 2 दे रखा है, कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 5√5 और म्यू नॉट आई, ठीक है, ए स्क्वायर से ए क्यूब कट गया तो नीचे एक ए भी बच जाएगा हमारे पास। अच्छा इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे B2, एक कॉइल के लिए निकाला, दूसरी कॉइल के लिए भी निकालेंगे तो सेम ही आएगा, देखो आइडेंटिकल है बिल्कुल, मैंने बताया था आपको, तो सेम ही रिजल्ट आएगा हमारे पास, 4 μ0 ni / 5√5 ×A, ठीक है। अब जो इसमें करंट है वो तो सेम ही डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, ठीक है, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा और उसमें हम क्या करेंगे, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड कर देंगे, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा B1 + B2, इन दोनों को हमें जोड़ना है, ठीक है, दोनों को जोड़ना है मतलब सेम ही चीज़ है, जब सेम ही चीज़ों को जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, उनका डबल कर देते हैं, तो हमने इनका डबल कर दिया, तो ये 4 × 2 कितना हो गया 8 μ0 ni / 5√5 A, अगर 8 / 5√5 की वैल्यू निकालेंगे तो 0.716 μ0 ni A, ये आ जाएगा हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिड पॉइंट पे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में